दशमु नमस्ते प्रणाम स्वाम ज्वा जय। आज जो विषय लेकर के हम आए हैं और वह विषय है हाउ टू टीच अ स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी, यानी कहने का मतलब है गंभीर दिव्यांग छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे। एस बी मीन्स सीवियर डिसेबिलिटी। तो देखिए, पढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज उसमें है कि हम सुव्यवस्थित निर्देशन करेंगे, यानी सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन टाइम बच्चों को पढ़ाने वक्त देते हैं। इसके बाद डिफाइन द स्किल, जो कौशल है हम उसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा कौशल उसे सीखाएं और वह उसके करंट लेवल ऑफ फंक्शन एज लेवल मेंटल लेवल के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद एकेडमिक स्किल शिक्षण कौशल यह देखना होगा कि उस बच्चे को मेंटल एज कंट्रोल फंक्शनिंग के अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए मैं मिशन सिखा रहे हैं तो 2 से 3 वर्ष के बच्चे को मिशन सिखाया जाता है, उसी लेवल को सिखाएं, उसके पहले सिखाएंगे शायद वो ग्रास नहीं कर पाए। उसके बाद डाटा कलेक्शन, देखिए डाटा कलेक्शन जो है बीच बीच में आप जो है डाटा कलेक्शन करते रहिए, यानी यह प्रगति बहुत धीमी है तो शिक्षक अपनी संकेत देने वाली प्रणाली को प्रचुरित करना चाहते हैं, यानी कहने का प्रतिक्रिया देने के अवसर जो है वह बढ़ाते रहिए। इसके बाद अदर्स प्रॉम्प्टिंग बहुत उचित है, जिससे आप प्रोत्साहन भी कर सकते हैं, यानी उत्साहित करना, यानी जब भी बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसको शाबाशी भी दे रही, उसको अच्छा करते रहिए, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो या बायोलॉजिकल हो, उसको शाबाशी भी दे रही। हर काम के बाद जब कुछ अच्छा करे तो उसको एक संकेत देना चाहिए और समय की देरी कम से कम संकेत को बढ़ा लें और कम से कम दखल देने वाले संकेतों या क्रमिक मार्गदर्शन शामिल है। यानी कहने का मतलब है एक फिक्स टाइम पर उसको आप उत्साहित करें। सिमल्टेनियस प्रॉम्प्टिंग का मतलब है साथ ही उसका नाम सिमल्टेनियस, इस प्रति ने एक प्रक्रिया संकेत, जैसे मौखिक होता है तुम्हारा नाम ब्लैंक छोड़ दिए क्या है वो बताएगा, या मॉडल के रूप में देखिए इस तरह से कर रहा है आप भी सीख लीजिए, क्योंकि सीखने का कोई भी कर सकता है वो कर सकता है। उसको हम जो है प्रस्तुत करेंगे दिखाएंगे और जो निशात्मक परीक्षाओं के बाद समाप्त हो जाता है वो मजबूत साक्ष्य के आधार पर प्रोत्साहन प्रणाली जो है हम उसको देंगे, वेरी गुड वेल डन कैरी ऑन। इसके बाद आगे जो है टाइमली, मैं बताया हूँ कि जो है समय विलंब, समय की देर का उपयोग करने के लिए मजबूत साक्ष्य आधार भी है, यानी एक प्रणाली जिसमें संकेत को लक्ष्य प्रोत्साहन के साथ संबद्ध रूप प्रस्तुत किया जाता है। यानी कहने का शब्द है गंभीर अक्षमता वाले जो बच्चे हैं वो चित्र और शब्द पहचान कर कौशल सीखते हैं, थोड़ा विलम्ब से होता है पर वो सीखते हैं, उसको चित्र के द्वारा सिखाइए। माने काम में है तो काम का पहले उसको फोटो दिखाइए, मैचिंग एंड फ्यूजन नहीं कराइए और तब तक उसको इम्प्रेशन जो है आप और गाय को दिखाई तो डिफरेंट उसके और सीख जाएंगे गाय है, फिर कभी भी उसका उच्चर देंगे तो बता देगा कि गाय है। आगे है लेस प्रॉम्प्टिंग। आपका ये जो है कहने का अर्थ है लेस्ट इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट्स, इसका मतलब है कि कम से कम दखल देने वाला संकेत, माने जो संकेत बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान देते हैं तो वो मजबूत साफ के आधार पर होना चाहिए और क्लियर विकल्प में कम से कम दखल देने वाला संकेत, यानी एक निर्देशात्मक रणनीति को केवल अस्तत्व या संबंधित कार्यों को सिखाने की आवश्यकता अनुसार संकेत देते हैं। यानी कहने का अर्थ है किसी
अधिकार को उसको सिखा रहे हैं तो आप उसको सहयोग कर सकते हैं। मानी कुछ उत्पन्न करना सिखा रहे हैं तो क्या है कभी पकड़ लेगा लाइन गैट कैसे से करेगा, थोड़ी सी उसको आप हेल्प कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कम कर्ज देना है, बहुत कम उसको इंस्ट्रक्शन देना है। आगे है मोस्ट क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग, देखिए यहाँ पे मोस्ट टू लेस इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट यानी कहने का है अधिक से कम दखल देने वाला, अधिकांशता कम अरे सबसे कम जितना कम से कम दे सके प्रयास करिए किसी कार्य को कौशल को बच्चा अपने आप करिए। इसके बाद आगे है रेनफोर्समेंट, सबको मालूम है इस पर चर्चा की गई है, वीडियो भी बनाया गया है। रेनफोर्समेंट क्या है, कितने प्रकार के हैं, डस्टिंग यानी जो भी सत्य दिया जाता है प्रॉम्प्टिंग कूलिंग जो भी है जो निर्देशात्मक योजनाएँ हैं प्रतिक्रिया को मजबूत बनाने और योजना को शामिल कर लेना चाहिए ताकि हम से उसको हम रेनफोर्समेंट दे सकें। इसके साथ ही आगे जो है आपका सेंट्रलाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि सुपरस्थित निर्देश के साथ समानकरण जनरलाइजेशन समानीकरण, सुव्यवस्थित निर्देश के साथ समयकरण के लिए प्रशिक्षण करना महत्वपूर्ण है यानी समयकरण को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका उन संबंधों को बढ़ाना जिसमें कौशल स्वभाव होने की सबसे अधिकांश भावना होती है यानी कहने का अर्थ है कि किसी बच्चे को कुछ सिखाना आप चाहते हैं तो सिखाने के लिए उसके आप जो है एक निर्देश बनाएं और निर्देश बनाने के बाद उसको पहले पिक्चर दें उसके बाद उसको अपने कमरे दें दें जा करके ओरिजिनल से कंप्यूटर सिखाना है तो पहले कंप्यूटर के बारे में हम बताएंगे उसको समझाएंगे अपने करके दिखाएंगे तब जाकर कंप्यूटर बैठाएंगे तो सिखाने का प्रयास करेंगे जनरलाइजेशन। आगे जो है समरी सारांश, मध्यम गंभीर क्षमताओं वालों छात्रों को विभिन्न प्रकार के स्तर और संबंधित कौशल सिखाने के लिए अनुसंधान एक बड़ा निकाय दृष्टि निर्देशन समर्थन करता है यानी कहने का मतलब है कि जो मध्य होते हैं जो मॉडरेट सीवियर तो उनको सिखाने के लिए एक बहुत ही अच्छे और अनुसंधान की आवश्यकता है क्योंकि आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं तो उसके हर परिस्थिति से आपको अवगत होना होगा क्या बच्चे को कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है क्या बच्चे को कोई बिहेवियर है या बच्चे को घर से कोई समस्याएं हैं। हर आदमी अपने अपने घर से किसी न समस्या को लेकर परेशान होता है चाहे वह फाइनेंशियल हो या वह किसी अपने परिवार में वातावरण खराब होने के कारण ही उसके में मनमुटाव के कारण परेशानी हो या घर का जो वातावरण ठीक नहीं होता है तो कोई भी घर सही ढंग से करने में परेशानियाँ होती है। तो यह जो है आपको कहने का अर्थ जनरलाइजेशन कि बाद में जा करके आप देखिए कि बच्चा सही ढंग से कर पा रहा है इसका मतलब है कि बच्चे का समानीकरण हो गया आपके बच्चे का समझी ठीक है। इसके साथ जो हमारा आज का विषय था कि हम गंभीर बौद्ध दिव्यांगजनों को कैसे पढ़ाएंगे तो इसके बारे में जो कुछ विशेष टॉपिक्स था बताया। जय हिंद।